पंकज जी, आपने एल्बम्स में भी गाया है, आपने प्लेबैक सिंगिंग फिल्म्स में भी की है जी। एक फिल्म आई थी साजन जी, जी, और साजन में जिए तो जिए कैसे बिन आपके, उस दौर में हर आशिक जी अपनी महबूबा के लिए यही गाना गा रहा था जी। तो वो कल्ट हमने देखा है जो आपने सेट किया था अपनी आवाज के जादू के जरिए, और आज भी अलग अलग वर्जन उस गाने के आ गए, लेकिन जो ओरिजिनल वर्जन था वो जस का तस बना हुआ है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। उस फिल्म के डायरेक्टर थे लॉरेंस डिसोजा, जिन्होंने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था, और उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे सुधाकर बोकाडे। तो सुधाकर बोकाडे जो थे वो मेरे बहुत बड़े फैन थे। तो उस ज़माने में एक मेरे ख्याल से हर जो कलाकार है उसका अपना एक जिसको कहें कि एक फैशन स्टेटमेंट होता है, एक ड्रेसिंग सेंस होती है। तो उस ज़माने में मैं कुर्ता पजामा और शॉल पहनता था। तो सुधाकर बोकाडे कहीं जाके इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने बिल्कुल मेरे लुक में कुछ फ़ोटो ही भी खिंचवाई, कुर्ता पजामा और शॉल। तो उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि जिस दिन मैं फिल्म बनाऊंगा तो उस फिल्म में सबसे पहला गाना जो है वो मैं पंकज उदास का रिकॉर्ड करूंगा। तो वो फिल्म जब बन रही थी तो फिल्म के डायरेक्टर लॉरेंस डिसोजा, और तो फिल्म में लकीली एक सिचुएशन ऐसी बन गई कि वो सलमान खान साहब और माधुरी दीक्षित और संजय दत्त, तो ये तीनों एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें इनको पता नहीं होता कि संजय दत्त वहाँ मौजूद है। इट वाज अ क्लाइमेक्स का गाना था। तो वो गाना रिकॉर्ड किया हमने। तो गाना रिकॉर्ड होने के बाद लॉरेंस डिसोजा साहब ने एक सजेशन दिया कि भाई क्यों ना ऐसा करें कि ये गाना आपके ऊपर पिक्चराइज करें, क्योंकि ऐसा है कि एक पूरा माहौल है कि एक लाइव कॉन्सर्ट चल रहा है जिसमें आप गा रहे हैं, और जिसमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित ऑडियंस में बैठे हैं, और संजय दत्त कहीं पीछे छुप के बैठे हुए ये गाना सुन रहे हैं। तो इस तरह से ये गाना हुआ, और जैसे आपने कहा कि सही में वो गाना एक ऐसा गाना हो गया कि एक मिसाल बन गया है वो गाना। तो मैं दो लाइनें सुना देता हूँ उसकी। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। जिए तो जिए कैसे कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी। जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी, मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं है तेरे बिना। जिए तो जिए कैसे बिन